नमस्कार दोस्तों, 23 दिसंबर है आज और सेकंड शिफ्ट सचिवालय सहायक के पेपर अभी अंदर में चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने वीडियो बनाया था, इसमें छात्रों ने अपने रिव्यू दिया था, अपना उन्होंने बातें कही थी कैसा पेपर था, कैसा था, क्या पेपर का नेचर था। अब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। जो अंदर में एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, जो बाहर निकलेंगे तो समझानेंगे कि पेपर का नेचर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यदि आप लोग मेरा काम, मेरा हार्डवर्क आप लोग अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। क्या नाम है सर आप लोगों का? मुन्ना कुमार नाम है। अच्छा, कैसा गया पेपर? पेपर बहुत बढ़िया गया। अच्छा, कैसा रहा पेपर? मॉडरेट रहा, माइल्ड रहा, टफ रहा? मीडियम था। मीडियम था। हाँ। कितना आपने किया है क्वेश्चन? किए 115 बनाए हैं। 115। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? सेक्शन मैथ बहुत ईजी था, मतलब जीके में थोड़ा सा टफ था। अच्छा, फर्स्ट सीटिंग में जो फर्स्ट शिफ्ट में था उसमें बता रहे थे मैथ बड़ा टफ था, उसको पता चला मैथ बहुत ईजी था सर। मैथ किस लेवल का था आप बता रही हैं? मैथ मतलब कि मतलब बेसिक लेवल का था, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा था। कौन से टॉपिक से था? कैलकुलेशन था। हाँ, सारे टॉपिक्स था। अच्छा अच्छा, और जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आए? जीके जीएस थोड़ा करेंट था। और कुछ क्वेश्चन बताएंगे? करेंट्स में सारा मतलब करेंट्स का क्वेश्चन है, उसका ना याद नहीं है। करेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कट ऑफ वगैरह क्या जाने की उम्मीद है? कट ऑफ अभी बता नहीं सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन देखे नहीं, तो हम कैसे बता देंगे। फिर भी आपको उम्मीद होगा ना प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुआ है इसके अकॉर्डिंग? कट ऑफ अभी हम नहीं बता सकते, हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल सेटिस्फाइड है आप? जी। चलिए ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट। और कुछ लोग जानेंगे सर आपका नाम? अभिषेक कुमार। आपका नाम सर क्या है? लोग बोल भी नहीं रहे चूंकि जल्दी में है। आइए 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 आइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, कितना क्वेश्चन किए हैं? क्वेश्चन मतलब छोड़े हैं सबसे 15-20 को छोड़े हैं। अच्छा, सारा मतलब कर दिए 37-35 किए आप? अटेम्प्ट मतलब टोटल देखे थे। माइनस मार्किंग है जानते हैं ना? हाँ, माइनस है। अच्छा अच्छा, तो कितना मतलब सेटिस्फाइड हैं आप पेपर देने के बाद? ये तो अभी का नहीं कह सकते हैं। टफ क्या लगा आपको पेपर में? टफ क्या लगा आपको? साइंस वाला थोड़ा सा था। किस सेक्शन था, कुछ क्वेश्चन वगैरह बताइए। ये मतलब फिजिक्स वाला ज्यादा था। फिजिक्स वाला ज्यादा था। हाँ। चप्पल जूता लोग खुलवा रहे हैं मतलब कि अंदर पेपर मतलब 3 कॉपी किताबें लेके जाने का अलाउड है। हाँ। तो चप्पल जूता खुलने से क्या होता है, कुछ सिखाना चाहेंगे? इससे हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको बस एग्जाम पड़ गया वही है। चलिए ठीक। चलिए, और कुछ लोगों से? आप वहाँ से कहाँ से हैं? पटना से हैं। पटना से हैं। क्या नाम रहा आपका? संजय कुमार। पेपर मजा आया देने के बाद? पेपर अच्छा है। अच्छा, मजा आ गया पेपर देने? पेपर ठीक था। कितना पेपर, कितना क्वेश्चन किए हैं? 70 अटेम्प्ट किया। 70 अटेम्प्ट किए हमारे बस, और कहने मजा आ गया पेपर देने? 70 अटेम्प्ट किया, ज्यादा नहीं किया। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी था ना? 70 मैंने कट ऑफ 70 के आसपास ही रहेगा क्या? अब तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। 100 से तो आप 70 ही किए करें, मजा आ गया। अब तो आधा क्वेश्चन से भी कम किए हैं। चलिए कोई नहीं, पेपर टफ होगा हो सकता है, लेकिन मजा आता है एग्जाम देने, मजा लेना चाहिए एग्जाम का बेसिकली। आप लोग जनाब कहाँ से हैं? ऐसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप सर कहाँ से हैं? पटना से सर। पटना से। नाम क्या रहा आप? राहुल राज। राहुल राज जी, कैसा पेपर देने के बाद कैसा फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, मगर सर लोग बहुत बात कर रहे थे। अच्छा, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ, सर लोग बहुत बात कर रहे थे। पीसी कॉलेज बक्सर है, यहाँ बिना कहना है कि सर यहाँ पे क्लास में डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत टॉक कर रहे थे। अच्छा, बहुत बात कर रहे थे। ठीक है, कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा है, कौन सा टफ लगा है? लगभग सब ठीक ही था। सब ठीक था। हाँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन वगैरह बताएंगे जीके जीएस में? सर जी, यहाँ बाथरूम का एकदम बिल्कुल खराब एकदम स्थिति है। हाँ। बाथरूम क्या करे? बाथरूम है ही नहीं, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, आप उस तरफ जाकर दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ अस्पताल में है ही नहीं, है ही नहीं पुरुषों के लिए तो कैसे? देखिए बिहार का हाल पूरा है वो खराब है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट जो शिफ्ट का पेपर था शायद लीक हुआ है, ऐसा मतलब आ रहा है खबर। अब देखिए क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दानापुर। दानापुर गए हैं। कैसा रहा पेपर, मजा आया आपको देने में? मजा आया, लेकिन टाइम लगता 15 मिनट कम मिला था। 15 मिनट कम मिला? घंटा टाइम था, लेकिन 15 मिनट तो रंगने में ही चला गया था। रंगने में चला गया। हाँ, तो उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए था ना। पेपर साहब 2 घंटा का था, लेकिन 2 घंटा पेपर सील खोलने के बाद 2 घंटा ही टाइम मिला। पेपर माइल्ड था, मॉडरेट है, फिर टफ? मॉडरेट था, मॉडरेट था। जीके करेंट थोड़ा सा मॉडरेट था। अच्छा, मैथ रीजनिंग इजी था। अच्छा, टॉप ऑफ क्या क्वेश्चन थे जो आपको बहुत परेशान किया हो, आपके पसीने छूटे होंगे शायद, कुछ ऐसा क्वेश्चन थे? हाँ, जीके में कुछ क्वेश्चन था, संविधान के आर्टिकल से एक दो क्वेश्चन था, ध्यान में नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था जो नहीं हो पाया। और साइंस वगैरह मैथ वगैरह क्या? साइंस में फॉर्मूला पूछा था 2-4। अच्छा, 2-4 फॉर्मूला। हाँ, जो कि थोड़ा ज्यादा था। नहीं, कैलकुलेशन नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। अच्छा, कट ऑफ वगैरह बारे में कुछ स्पेकुलेट करेंगे आप? नहीं, ये सब अंदाजा लगाना मुश्किल है बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है?
नहीं पता चल पाता है ना, 2000 सीट है, 500,000 लड़के हैं, अगर अच्छे अच्छे लड़के बैठ गए तो 130 भी जा सकता है, मतलब 130 क्वेश्चन, 130 520, अगर अच्छे लड़के नहीं बैठे हैं तो 110 बनाने वाला का भी हो जाएगा। अच्छा, चलिए आप कॉल द बेस्ट, आप मेंस में पियर हुई है, कुछ और लोग पूछेंगे। बेग ये देखिए टांग रहे भैया, इधर आइए, कहाँ आपका घर है? पटना। अच्छा, पटना लोग, पटना के लोग आए हम बहुत, मतलब सेंटर पड़ा पटना है और छपरा के। नाम क्या है आपका? संजीत कुमार। संजीत कुमार, कितने क्वेश्चन आप किए हैं? 130 के प्लस में किए हैं। 130, मजा आया है नहीं आपको? बहुत लोग बोल रहे हैं कि मजा आया पेपर करने में। मजा तो आसान ही था, तो फिर मजा आएगा क्या? अच्छा, कोई टफ ऑफ लगा है पेपर क्वेश्चन? कुछ थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा जीके में कौन क्वेश्चन टफ लगा? अब उतना तो याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा, मतलब एडजस्ट कर जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे जीके में अब क्वेश्चन कौन सा याद दिलाएं, क्वेश्चन पेपर तो ले, सब्जेक्ट का क्वेश्चन टफ था, टफ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए साइंस वगैरह क्या सीन था, बता लो, फिजिक्स विजिक्स बड़ा टफ क्वेश्चन था इस टाइप का? भी बराबर एन लेमडा पूछा हुआ था, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति जो दिया होता वो था, और साइंस में ये KWH का मान पूछे हुए था। मैंने ओवरऑल सेटिस्फाइड है आप। इधर लोग चप्पल जूता लोग खुलवा रहे हैं, ये नया आया था, इस पर क्या कहना है, कुछ कहेंगे आप? चप्पल जूता के बारे में आप क्या कहें, जब आयो किताब अलाउ है, तीन किताब बुला सकती है लाने के लिए, फिर जूता में क्या प्रॉब्लम है? ये तो आयोग को तो शिकायत है हमको कि जूता में क्या प्रॉब्लम उनको दिखी, किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। अब इसके लिए तो आप ही लोग आगे पूछिए आयोग से कि क्या दिक्कत है। इनको कहना है ऑल द बेस्ट आपको, कि जब तीन किताब अंदर में अलाउड है तो फिर जूता चप्पल खुलवाना क्या तर्क है? बात सही है कि इसमें ये इनसे हम पूछना था। सर आप टीचर लग रहे हैं, टीचर हैं क्या आप? अच्छा, आप पेपर दिए हैं? जी सर। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? ठीक ही रहा। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किए आप? अटेम्प्ट होगा 120 के आसपास। 120। सेटिस्फाइड हैं पेपर देने के बाद में? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर मतलब टाइम कम हुआ है जी, तो पेपर का आप क्या कहेंगे सर, मॉडरेट था कि टफ था? टफ था, ठीक था। किस सेक्शन सबको परेशानी हुई? मेरा छूट गया, हम टाइम टेकल नहीं कर पाए, इसीलिए हमको दिक्कत हुआ। क्या मतलब मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लग गया है क्या? हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा समय लगा, त्रिज्या वगैरह से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से। कुछ स्पेकुलेशन देंगे कट ऑफ वगैरह का? नहीं। अच्छा, नहीं, ठीक है। देखिए बहुत लोगों से हमने पूछा, बहुत लोगों ने बताया पेपर में मज़ा भी आया है, जैसे इनसे पूछा हम सर से, तो इन्होंने कहा कि पेपर टफ था, सेटिस्फाइड नहीं है। और बहुत लोग जूता चप्पल भी सवाल उठा रहे हैं कि जूता चप्पल जब बाहर आप खुलवा रहे हैं और अंदर में जो तीन किताब अब अलाउड कर रहे हैं, इसका क्या तर्क बनता है? बात सच है। और ये भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको बता रहे हैं लोग, वो पेपर आउट हो गया है, पेपर आउट हो गया, वायरल हुआ है व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। तब उसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं भी कहीं सुना हूँ देखा हूँ, वहीं मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो जो भी था ओवरऑल, मैं बहुत सारे यहाँ से कैंडिडेट से पूछा, एस्पिरेंट से पूछा कि BSCC का जो आज 23 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो कितने उसको टफ मानते हैं, मॉडरेट मानते हैं, माइल्ड मानते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।